हम अभी बर्लिन के हॉपन ऑफ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी हमारा 10 दिन का एक्सप्लोरेशन है जर्मनी का, तो उसका पहला दिन है। बर्लिन का मेन स्टॉप है, जैसे कि आप देख सकते हैं सब मास्क पहने हुए हैं। अभी हमको बाहर जाना है, चलते हैं। अभी मैं बर्लिन वॉल ऑफ मेमोरियल्स पे आया हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे पाइप्स देख सकते हो, ये जो पाइप्स हैं, ये वाले पाइप्स, ये पूरी मेमोरियल है इनकी, बर्लिन वॉल्स की, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ सीन हुआ था। यहाँ पे सोल्जर्स ने जो लड़ाई वड़ाई की थी, और यहाँ पे कुछ लिखा पिखा है, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये सीन है। फिर कुछ कुछ यहाँ पे सीन्स हैं, कुछ कुछ यहाँ पे सीन्स हैं। लाइक अगर जो आपको हिस्ट्री विक्स्ट्री में पसंद हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे देखने, बट लाइक अपन जो भाई हाइक वाले लॉन्डे लपाटे हैं ना, वो नहीं आना है भाई, वो पक्का गाली खाएंगे, मतलब गाली सुनाएंगे वो। इसलिए जो हिस्ट्री को ज़्यादा पसंद करता है वही आए। ये बर्लिन की मेमोरियल वॉल है। कहा जाता है कि सन कुछ कुछ में ये टूटी फूटी गई थी, और यहाँ उधर 1990 में ये टूटी गई थी। तो ये जो वॉल है उसके उस साइड वाले इस साइड आ सकते हैं, इस साइड उस साइड वाले, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो ये समथिंग लाइक ये वॉल है, वही हिस्ट्री पर्सन्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और घूमने घामने वाले और जो हाइकिंग वाले उनके लिए सही नहीं है। मेमोरियल्स हैं ज्यूज़ के जो बर्लिन में हैं। कहा जाता है यहाँ पे उनको जलाया वलाया गया था, लेकिन काफ़ी खोपचे वाली जगह है। बट इट्स रियली यू नो लाइक मैं कुछ कह नहीं सकता, तो ठीक है, टूरिस्ट पॉइंट है, हिस्ट्री है इसकी भी अपनी, तो आके देख फेंक लेना। बर्लिन में वैसे कुछ हाइकिंग वाइकिंग का नहीं है, सब हिस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब देख लो बस यार, ये है जगह, ये पिलर्स हैं उसकी मेमोरीज़ में, और ये ऐसी ऐसी खोपचे हैं। अभी मैं टॉपोग्राफी ऑफ टेरर पे आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट सब चीज़ भाई बंद है। ये देखो, क्लोजर ऑफ द डॉक्यूमेंट सेंटर ड्यू टू करोना। तो भाई करोना ने बवाल मचा रखा है, और जो यहाँ के दो म्यूज़ियम हैं वो भी बंद हैं। तो भाई पता नहीं क्यों आए हम, दिमाग क्यों ख़राब था, कोरोना में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, सब चीज़ तो बंद पड़ा यार, ऐसे कैसे चलेगा यार, कुछ तो खोलना चाहिए था इन्हें। बट सही है, बाहर से देख लो भाई, दिख रहा हो तो बस ये बर्लिन में भाई हिस्ट्री हिस्ट्री और कुछ नहीं है भाई, म्यूज़ियम है, हिस्ट्री है, अच्छी है जगह, आप आ सकते हो। नाइट क्लब्स वगैरह खुलें तो भाई हाँ फिर मज़ा है, बट वैसे घूमने आओ तो मतलब एक दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अभी अभी मैं सिटी टावर पे देखने आया हूँ, तो भाई मेरे को बहुत ज़ोर से आ रही थी, और यहाँ पे मैंने मुतने का भाई 1 यूरो दिया है, मतलब समझ रहे हो, 1 यूरो मुतने का, बहुत अमीर है भाई हम, बहुत ज़्यादा अमीर। और उसके बाद ये सिटी टावर है, टक 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 टक, इतना बड़ा ये रेस्टोरेंट है, 10 यूरो का टिकट है, बट कोरोना के टाइम पर ये बंद है, वरना मैं खा के आता कुछ, बट देख लो भाई यहीं से देख लो, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी अभी हम बैडनबर्ग क्या कहते हैं ये गेट के पास पहुँचे हैं। मेरे पीछे जो है ये गेट है पूरा बैडनबर्ग का,
बहुत अच्छी तैयारी चली है चारों तरफ, देखिए क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ है पीछे। अच्छी लोकेशन है, मतलब पीस लविंग है, काफ़ी फेमस है ये ब्रिज, मतलब ये जो क्या कहते हैं गेट है, इसके बाद आपका अलग स्टेट चालू हो जाता है जिसका नाम ब्रैडनबर्ग है, और इस साइड बर्लिन है। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर जो आप जानना चाहते हैं कि आइटनरीज क्या है फ्यूचर के लिए, तो स्टे ट्यून रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें।